हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में। इससे संबंधित हम लोग 100 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। और याद रखिए, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQ में डला हुआ है, नाम की जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डला हुआ है। इसमें हम लोग 101 से आगे बात करेंगे, ठीक है। याद रखिए, भारत से संबंधित ही होंगे जो भी हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता देना है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रखिए, कोयला। क्वेश्चन नंबर तीन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो आपको बता देना है, 6100 किलोमीटर। इतनी है, 6100 किलोमीटर। अगला है, क्वेश्चन नंबर पांच है आपका, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है आपको, 9 है। और याद रखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, और 9 राज्यों से भारत में समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो याद रखना है आपको, कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कैमोरिन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आपको बता देना है, इसमें होगा इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो आपको बता देना है, मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो आपको बता देना है, ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आपको बता देना है, बांग्लादेश से, ठीक है, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, POK वाला हिस्सा लगता है अफगानिस्तान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखा ना, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बता देना है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है?
तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए आपको जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो याद रखिए निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का दक्षिणी नौक क्या है? तो याद रखिए कैप कैमोरिन, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आपको बता देना है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो ये हम लोगों ने देख लिया पहले भी, 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको बता देना है भावर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो याद रखना है हिमालय, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान चीन से मिलती हैं? तो याद रखिए आपको इसमें होगा आपका सिक्किम, डी ऑप्शन होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है, ये पीओके वाले हिस्से में है, ठीक है, भारत में, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो याद रखना हिमालय। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो आपको याद रखना है अजंता, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आपको पता होगा गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना अरावली। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों वन लाइनर में से, क्योंकि कई बार नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस, सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो इससे आपको सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए ना इतनी तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो याद रखना म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना है आपको यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो याद रखिए सतलज का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिए यह बूलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी मणिपुर में, कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कहाँ है? तो याद रखिए चिल्का झील।
प्रसिद्ध लैंगून झील है चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो आपको याद रखना है यह है आपका दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर, तो याद रखना अक्टूबर नवंबर में, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो याद रखना माओ सिनराम, मेघालय में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत पाक वगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? तो याद रखिए चेनाब, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिम मानसून से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है आपका देहरादून में, ठीक है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना है आपको के एम मुंशी भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहते हैं के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो याद रखना 2.82%, कितना, 2.82%। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 1981 में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो याद रखना है आपको पतझड़ वन, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका यह है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में, इसमें क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं, याद रखना उत्तराखंड में आपका जिम राष्ट्रीय कार्बेट, ठीक है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो याद रखना कार्बेट। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की, कितनी, 8 प्रकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया पाया जाता है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55,
भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो 24%। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो याद रखिए, नलकूप और कुएं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये होता है दक्षिण में, दक्षिणी भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो याद रखिए, पंजाब। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो याद रखना है, चावल। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो याद रखना है, धान। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, गुजरात। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना, केरल। केरल में काजू सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है? तो याद रखना है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का वही एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर। याद रखिए, जम्मू कश्मीर में केवल केसर उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो यह आपका कर्नाटक। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 71, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखना है, जूट सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। सी ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो याद रखना है, असम में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखना, कर्नाटक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अग्रणी राज्य दूध में, तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80,
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखना है 1970 में, 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ताप विद्युत की, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर है, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो यह हुई थी दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67%, डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो याद रखना है कोयला, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। याद रखिए कि आप लोग बदलते रहते हैं ये आंकड़े, ठीक है, तो करंट अफेयर्स से जुड़ा रहिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में पता चलता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा? 93, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना से, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? याद रखना कोलार में। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, सॉरी 97, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो ये डिगबोई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यह जादूगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखना महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 202, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखना पेट्रोलियम के, सी ऑप्शन है। तो चलिए ये थे हमारे 200 क्वेश्चन, तक 201 क्वेश्चन से आगे हम लोग बात करेंगे।